फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए आज हम देख लेंगे इंग्लिश का कैसा पेपर आता है एग्ज़ाम में, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑक्सीमोरफोन। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको अलंकार नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए मैं आपको सीधे इसका आंसर दे दे रही हूँ। इसका आंसर है सी, डिफेंसिंग साइलेंस, ये इसका आंसर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगी, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं 62, इसमें क्या है, विच वन सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये जो हमें एक फ्रेज दी है इसका हमें वन वर्ड्स में बताना है कि हम इसको वन वर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो क्या है, 100 ईयर, 100 ईयर को हम क्या कह सकते हैं, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो इसमें डिकेड तो नहीं आएगा। सेंचुरी, स्कोर और एनुअल, एनुअल का मतलब होता है 1 साल, स्कोर का मतलब होता है जो मैच या किसी गेम में स्कोर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100, तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 ईयर का सेंचुरी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, हमें करेक्ट आर्टिकल से ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए पहले क्या है, ब्लैंक्स ताजमहल इज अ, फिर ब्लैंक्स है मोमेंटम, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए ताजमहल से पहले द आता है, जब भी हम किसी बड़ी चीज या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये मैं आपको ए एन द के जब रूल्स बताऊंगी तब मैं ये चीज आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए द ताजमहल इज अ मोमेंटम सिम्बोलाइजिंग लव। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 64 में भी हमसे क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका क्या होगा, आई ट्राइड बिलीव देम देयर पॉवर्टी। अभी तक मैंने आपको ये भी प्रपोजिशन अभी नहीं पढ़ी है हम लोगों ने, तो इसका आंसर क्या होगा, आई ट्राइड टू बिलीव देम विद देयर पॉवर्टी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 65 में हमारा क्या है, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कम्प्लीट द प्रोब, गॉड हेल्प दोज Who help themselves? ये आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, तो क्या हो गया, God helps those who helps themselves। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें फिलिंदा ब्लैंक्स भरना है, When she parted, her parents, her eyes were full of tears। अब देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए, ऑफ विद फ्रॉम टू, तो देखिए पहले सेंटेंस का मीनिंग समझिए, क्या है, व्हेन सी पार्टेड, मतलब जब वो अलग हुई अपने पेरेंट्स से तो उसकी आंखों में आंसू थे, तो विथ का मतलब तो होता है के साथ, फ्रॉम मतलब होता है से, टू मतलब होता है को, तो क्या आएगा यहाँ पे, ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पेपर बता रही हूँ। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 67 में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, मैंने आपको टेंसेस मैं आपको पढ़ा रही हूँ डेली, मैं आपको सेंटेंसेस के वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ उनको देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लिखा है, द ट्रेन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव की, तो हमारे पास द ट्रेन, ट्रेन क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हैज लेफ्ट। अब चलिए आगे देखते हैं, अब हमारे पास क्या, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से किसका एक का मीनिंग अलग है। ठीक है, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी, सोरो मतलब होता है दुख, हैप्पीनेस मतलब भी होता है खुशी, ब्लिस मतलब भी होता है खुशी, तो यहाँ पे सोरो, सोरो मतलब होता है दुख, तो ये क्या है, अलग है इससे, तो इस तरीके से ये हो गया इसका। अब चले हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट दिया है, द गर्ल चाइल्ड लूसी इज इन पोएम रिटन बाय। फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर 12th में इंग्लिश पढ़ी होगी तो पोएट्री में ये फर्स्ट पोएम है लूसी वाली। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, विलियम शेक्सपियर। सी,
अब इसमें देखिए, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, उसमें मैं आपको ये चीजें बताऊंगी, फिर भी यहाँ पे जब क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। इसमें जो ओल्डर ब्रदर दिया है वो गलत है, माई ओल्डर ब्रदर नहीं होगा यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। इसमें क्या दिया गया, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें भी। तो आई ऑफ रामा एट द थिएटर बट सी डिड नॉट सी मी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगी तो पास्ट में हम हमेशा डिड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉन्टेड अ ग्लिम्स, मतलब सी होगा, क्योंकि तो आगे अगर पीछे वाला सेंटेंस पास्ट में तो आगे वाला भी पास्ट में होगा। तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैं आगे आपको बताऊंगी, चलिए, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अब देखते हैं 72। 72 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें अप्रोप्रिएट मॉडल भरना है। देखिए क्या है, द ब्लिजर्स डेस रीड एंड राइट देयर मदर टंग। पहले सबसे पहले किसी भी चीज का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखो, मे शुड बिथ और कुड बिथ और कैन आया। शुड का मतलब चाहिए होता है, कुड का मतलब, कैन का मतलब क्या होता है, सकता, सकते, वह कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुड क्या होगा, कैन की सेकेंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। मे मतलब होता है शायद। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कैन, क्यों, क्योंकि कैन मतलब क्या है, सकता, सकती। तो द ब्लिजर्स जो गांव वाले हैं वो अपनी मातृभाषा को लिख और पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कैन। सकते थे अगर होता, सेकेंड फॉर्म होती, तो हम कुड का यूज करते। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, 73। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन ब्लैंक्स। फ्रेंड्स आपको मैं टेंस पढ़ा रही हूँ, आप खुद देखिए कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके पूरे पेपर में। तो क्या है, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे होगा यहाँ पे। अब चलिए हम वी डिस्कस्ड ऑफ होगा, देखिए आपको चार ऑप्शन दिए, डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस्ड ऑफ, डिस्कस्ड और डिस्कस्ड बैल। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्कस्ड आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यस्टरडे की बात की जा रही है। यस्टरडे मतलब जो कल बीत चुका है, तो यहाँ पे क्या पास्ट टेंस है। मैं आपको अगर टेंसेस बताऊंगी तो मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या आएगा, केवल डिस्कस्ड। अब चलिए 74, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशनल फ्रेज। द डीप लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अदर। अब देखिए क्या है, जो डीप मतलब जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे चीजों को याद करते हैं, वो किस लैंग्वेज के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करना, उसके साथ में काम करना। बाय मीन ऑफ, इंस्पाइट ऑफ नहीं होगा, बट फॉर साइन लैंग्वेज। तो क्या होगा, द डीप लर्न टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर बट फॉर साइन लैंग्वेज, लेकिन वो साइन लैंग्वेज से कर सकते हैं। अब चलिए, चूज द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड। अब फ्रेंड्स ये आपको याद करने पड़ेंगे, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डेली 5 सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं आपको डेली 5 सिनोनियम्स और एंटोनियम्स प्रोवाइड करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द पार्ट विच। अब इसमें हमें क्या बताना है, ये हमें एक सेंटेंस को इन्होंने चार टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो गलत होगा। अब क्या है, दे इन्वेंटेड जया एंड आई टू फंक्शन टू बी हेल्ड इन अ नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स अब मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ, मैं आगे भी आपको चीजें बताऊंगी। तो इसमें क्या, दे इन्वाइटेड जया एंड मी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ पे पहला गलत होगा। क्या होगा, दे इन्वाइटेड जया एंड मी। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। अब देखिए, वी वर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए फ्रेंड्स, एन का यूज हम बॉबल्स के साथ करते हैं। द यहाँ पे क्या आएगा हमारा, द, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द, सेकेंड ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज
प्रूफ। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एडवर्ब नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आई टुक अस क्या होगा यहाँ पे, नियरली 5 आवर्स, क्योंकि एडवर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, किसी भी के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर एल वाई लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ्स होगा डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी, उसमें मैं आपको फॉर और सिंस का यूज बताऊंगी, तो मैं ये चीज आपको उसमें क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, सभी वीडियोस हमारे देखिए, आपको हमेशा इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी ही मिलेगी। चलिए फिर एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन आ गया, अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एक और ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें वर्ड, एक वर्ड डाल के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, इसमें भी हमें एक और मतलब फिलिंदा ब्लैंक्स दिया है। फ्रेंड्स, ये नाउन से लिया गया, देखिए 10 माइल्स फिर डैश अलोंग वे टू वॉक। अब देखिए, मैं आपको जब नाउन्स का बताऊंगी तब मैं बताऊंगी मील्स। अगर जैसे किसी पैसे के आगे, किलोमीटर, मील्स के आगे अगर कोई नंबर लग जाता है, जैसे 10, 9, 5, तो हमेशा वो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो क्या आएगा यहाँ पे, इज 10 माइल्स इज लॉन्ग अवे टू वॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए इसमें भी हमें क्या बताना है, दीज कैन क्या है, अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने बेस की जगह पे मेथड्स आएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए। अब देखिए अब इसमें क्या लिखा है, 86 में विच कैन नॉट बी रीड, कौन नहीं रीड कर सकता जो पढ़ा लिखा ना हो, तो इसका क्या होगा, इलिटरेट। इसी तरीके से आप देखेंगे कि नीचे अपोजिट पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश भाषा विज्ञान का वीडियो बताऊंगी, जिससे आपके और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।